नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा जिला नजफगढ़ में मौजूद हूं और साथ ही हमारा रजेश सेठ जी हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं जिला नजफगढ़ के और अभी हाल ही में नवनियुक्त BLA वन विकासपुरी विधानसभा के। जिम्मेदारी पार्टी ने इनको दी है कांग्रेस कमेटी द्वारा। तो आइए इनसे सीधी बात करते हैं। स्वागत है आपका रजेश सेठ जी। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद जो आप आए। आपने एक दो बार बोला भी था जिसकी वजह से मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से क्या हफ्ते नहीं, आपने कल भी बोला था, कल हमारी मीटिंग थी क्या हफ्ते कापासेड़ा में MD साहब के साथ, जिसकी वजह से क्या हफ्ते आपको कल नहीं मिल पाया था। आप आए आज, उसका आपका स्वागत है, धन्यवाद आपका। तो सवाल सर कर लेते हैं, अभी जैसे BLA आपको जो अभी नियुक्त किया है, कल की मीटिंग भी थी सर, क्या क्या रखा गया इसमें? कल की मीटिंग के DM साहब ने बुलाई थी, इसमें इन्वाइट मेरे को भी किया था, मैं गया था वहाँ पे। जो इलेक्शन के जो हमारी त्रुटियाँ हैं, जो क्या कहते हैं लोकसभा के इलेक्शन देखते हुए क्या कहते हैं त्रुटियाँ, जैसे जैसे आपके क्या कहते हैं BLA हमारे आते हैं तो क्या कहते हैं उनको दिक्कत होती है, क्या कहते हैं उनका एक तो ऐप काम नहीं करता है जिसकी वजह से वो वोटर में काम नहीं कर पाते हैं, उसके लिए मैंने बात रखी थी। बाकी और क्या कहते हैं कई ऐसे वोट हैं जो एक ही परिवार के दो दो बूथों में, तीन तीन बूथों में, उनको एक में रखने की बात रखी थी। और दूसरा कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर दिक्कत है, क्या कहते हैं कि उस एरिया में तीन तीन बूथों के लोगों डिवाइड हो रखे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो लोग आते हैं यहाँ पे रहते हैं, वो कई बार क्या कहते हैं पूछते नहीं किसी से। अच्छा। या कई बार परिवार के क्या कहते हैं लोग अपना बोर्ड बनवाते हैं, बोर्ड तो ऑनलाइन कर देते हैं। अच्छा। लेकिन अगर उसमें अगर क्या परिवार का किसी एक सदस्य का इलेक्शन कार्ड की कॉपी अगर लगा दें तो वो सेम उसी बूथ में आ जाता है, और लोग इस तरह करते नहीं हैं, तो क्या कहते सीधे डाल करके अपना अपने आप खुद कर लेते हैं, इसकी वजह से पता नहीं लगता। इसकी वजह से उनकी भी गलती नहीं है, कुछ हमारी भी गलती है, लोगों की अपनी गलती है। तो किसी से कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहते, हमसे कोऑर्डिनेट जो कर लेते हैं उनका तो सेम हो जाता है, बाकी फिर दिक्कत हो जाती है उनको, फिर वो अलग अलग वार्ड में हो जाते हैं। भाई हमने उनको बोला कि आप किसी का परिवार का आता है एड्रेस अगर चेक करेंगे तो एड्रेस से आप सेम उसी में कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, हो सकता है। तो आप वो चेक, हाँ उस पर चर्चा हुई थी, जो उन्होंने DM साहब ने माना था, आश्वासन दिया था कि हम उसको ठीक करवा देंगे। अच्छा, अभी हाल ही में सर कांग्रेस कमेटी के अभी नवनियुक्त दिल्ली अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंदर सिंह लवली जी, तो क्या आप उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं उनके बनने पर? मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो उनको उन पर विश्वास कराए, क्या कहते कांग्रेस कमेटी ने उनको क्या कहते दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उनके नेतृत्व में आने वाले लोकसभा चुनाव दिल्ली में लड़े जाएंगे। और मैं चाहूँगा क्या कहते हमें आश्वस्त हैं हम कि एक तरह से क्या कहते उनके नेतृत्व में क्या कहते अच्छी भूमिका अदा करेंगे, और हम सबको क्या कहते एक होकर के लेके चलेंगे, और क्या कहते आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हम विजयी होंगे, ये पूरी कामना है हमारे साथ। उनके उनको आश्वस्त करते हैं कि हम सब उनके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला के देश की उन्नति के लिए और कांग्रेस की उन्नति, कांग्रेस की भूमिका जिस हिसाब से हमें दी जाएगी, हम उस पर काम करेंगे, अमल करेंगे। क्या लगता है आपको तो 24 के चुनाव में जो इंडिया जो गठबंधन बना है मोदी जी के सामने, क्या लगता है कुछ मुकाबला कर पाएगी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया गठबंधन है ये, मैं 26 के हफ्ते पार्टियाँ हैं, लेकिन ये जितना भी हम कर रहे हैं हफ्ते देश के अंदर जो चल रहा है, अगर ये 24 हम इकट्ठे होकर के अगर एकजुट होकर के हम लड़ेंगे तो ज़रूर हम क्या जीतेंगे और इंडिया जीतेगा। सर इस बार जैसे मोदी सरकार ने 2024 के चुनाव में एक देश एक चुनाव को लेके जो उन्होंने जो भी इस बार किया, आप देखा सर कल की खबर आपने देखी होगी, तो ये सही है आपके हिसाब से? उन्होंने बोला है क्या कहते पहले भी ऐसा टाइम में होता था, क्या कहते ऐसे कि एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन बीच में क्या कहते टाइमिंग चेंज मतलब उसकी वजह से हो गए थे। लेकिन अगर क्या कहते ऐसा करते हैं, लेकिन उसमें पहले सलाह लेनी चाहिए थी आम पार्टियों और पार्टियों से सलाह लेनी चाहिए थी, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, अच्छा है, देश का पैसा बचेगा, उससे कोई त्रुटि नहीं, क्या कहते देश का अपने हमारा अपना पैसा है वो, ठीक है, उसको अगर क्या कहते बचत होगी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए सबको एक साथ लेके चलने वाली बात है जो मोदी जी में नहीं दिखती है। वो विपक्ष को साथ लेके चलना नहीं चाहते हैं, एक तरह से उनके दिमाग में कि विपक्ष से हमारा मतलब नहीं है, हमारे पास कि पूरी सत्ता है हमारे पास, क्या कहते हैं हमारे पास नंबर पॉइंट है हमारे पास, हम जैसा चाहेंगे वो कर सकते हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ है। लेकिन अगर उनको विपक्ष को साथ लेके चलेंगे तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सर आप वैसे कब से जुड़े हैं कांग्रेस कमेटी में? मैं जुड़ने में तो मैं 90 के करीब कहते हैं सज्जन कुमार जी का इलेक्शन था उस समय जुड़ गया था साथ में, क्या कहते उनके साथ चलना बचपन था हमारा, हम साथ में चल रहे थे। बाकी अगर हकीकत देखा जाए तो 93 में क्या कहते आपके मुकेश शर्मा जी को टिकट मिली थी, उनके साथ लग करके काम करा था उस समय, और पूरी तरह काम करा था, उसके बाद ही मेरे को आगे बढ़ने का उन्होंने मौका दिया और आगे चले। उसके बाद उन्होंने उसी 93 में मेरे को जनकपुरी ब्लॉक का महासचिव बनाया, यूथ कांग्रेस का,
उसके बाद आगे चलते रहे, जैसे भी क्या होते हमारे को मार्गदर्शन देते रहे हमारे मैनेजर साहब, उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहे। उसके बाद में जैसे भी बापरोला वार्ड में मौजूद हैं जय बिहार क्षेत्र में, क्या हालात हैं, क्या समझते हैं इन क्षेत्रों में? जय बिहार बाद तो मैं यहाँ पे प्रधान भी क्या होते पूरी उन्हें इलेक्शन में लड़ा हुआ है मैंने, अपना आर डब्ल्यू जीता भी हूँ क्या होते उसमें। अपने यहाँ की समस्याओं को हमने बहुत बहुत करीब से देखा है। जिस समय हम आए थे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, नहीं था यहाँ पे ना रोड पानी किसी तरह कुछ नहीं था। तो इसको हमने उस समय 2008 में क्या होते मैं जीता था इलेक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पे नंसको जी के साथ मिल करके, नंसको जी विधायक हो गए, तो उसके बाद मिल करके उनके साथ लग करके हमने एरिया में काम करा। उन्होंने मेरे को क्या पूरी तरह से छूट दी या आप क्या कहते क्षेत्र में काम कराई है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले BSS से मिल करके इलेक्ट्रिक का काम शुरू करवाया, जिसमें आप विश्वास नहीं करेंगे क्या कहते मैंने BSS के साथ मिलकर ट्रैक्टर में पोल भी खींचवाए हमने, क्या कहते कि यहाँ लगे जितनी जल्दी हो जाए जितनी जल्दी काम हो लोगों को। फिर हर ब्लॉक में ट्रांसफार्मर लगवाए क्या कहते, उसके बाद क्या कहते उनमें स्ट्रीट लाइट से लेकर रोड बनवाई, कई काफ़ी काम हमने करे यहाँ पे क्षेत्र में। लेकिन आज आप खुद ही आए हो रोड से, आज अभी खुद आया हो आप क्या कहते आपको दिक्कत हुई क्या कहते रोड कच्ची उच्ची टूटी फूटियाँ, पर वो सिविल लाइन वगैरह पड़ रही है उसकी वजह से, लेकिन वो डिले करके काम हो रहा है, जो कि जिस स्पीड से हमने क्या कहते हैं नंसो जी के टाइम में काम करा था वो उस तरह से काम नहीं हो रहा है। तो आज के जो विधायक हैं वर्तमान आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव जी, उस तरीके से तो काम नहीं कर रहे थे। नहीं, जिस स्पीड से काम होना चाहिए तो उस स्पीड से काम नहीं हो रहा है। वैसे कर रहे हैं काम सर महेंद्र जी? काम जो आपके सामने दिख रहा है, आप आए हो रास्ते में क्या कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं काम हो रहा अभी चालू नहीं हुआ, सीवर वगैरह चालू नहीं हुआ, काम सीवर पड़े हैं लेकिन अभी पूरे एरिया में नहीं पड़े। मैं पूरा एरिया आप कहीं से भी निकलेंगे आपको रास्ता कहीं जाने का नहीं मिलेगा। आज आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है वो कांग्रेस के बल पे ही खड़ी हुई है, मैं तो खुले रूप में कहूँगा कि आज अगर उसमें है तो 80% कांग्रेस के ही हैं और कांग्रेस की वोट ही डिवाइड हुई है वहाँ पर। आज कांग्रेस को मजबूत करने वाली बात है, मजबूत होगी कांग्रेस मजबूत होगी उनकी वोट हमारे पास। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से लगता है आपको सर कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा? राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा एक हिम्मत देने वाली कहानी हुई, जो कांग्रेस को एक नई जान फूंकी उन्होंने, और आने वाले टाइम में क्या कहते लोकसभा के इलेक्शन में उसकी आपको झलक मिल जाएगी। और इसके अलावा और आप क्या सेवा दे रहे हैं सर अपने क्षेत्र में? मैं कॉलोनी में जैसे छोटे मोटे कोई किसी काम होता है सेवा के लिए हमारे पास आता है, जो हमारे लायक करने लायक होता है हम पूरी तरह करते हैं इसमें से। अभी सर आने वाले जन्माष्टमी आ रहा था त्यौहार, तो इसके मौके पर आप कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई है, मैं चाहूँगा देश में खुशहाली आए और लोगों के अंदर श्रद्धा और आप भगवान के प्रति श्रद्धा है वो श्रद्धा बनी रहे, भगवान के सबका बेड़ा पार करें। और कुछ तो मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा आने वाले टाइम में लोगों से यही मैसेज करूँगा, आप कांग्रेस के साथ खड़े हुई हैं, देश को मजबूत करिए, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब आगे आकर के कांग्रेस का समर्थन करें। कांग्रेस की नीतियाँ देश हित की नीतियाँ हैं और उन नीतियों पर चल करके हम पुनः देश को मजबूत करेंगे। आने वाले टाइम पे वक्त हमारा है और हम सब मिल करके इसको मजबूत करेंगे। धन्यवाद। तो ये हमारी स्थिति बात रजेश सेठ जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।